नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको कार के पांच ऐसे फ्लूइड्स या फिर जो लिक्विड्स होते हैं तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिन्हें टाइम टाइम पर चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसकी शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे गाड़ी के इंजन ऑयल से। तो इंजन ऑयल का लेवल चेक करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, तो इसके लिए बस आपको जो इसकी डिपस्टिक होती है तो वो निकालनी होती है। तो इंजन ऑयल का लेवल चेक करते समय आप ये भी देख लें कि जो आपका गाड़ी का इंजन ऑयल है तो उसकी जो क्वालिटी है तो वो ज़्यादा ख़राब तो नहीं होगी या फिर बहुत ज़्यादा वो काला तो नहीं हो गया, तो ये भी इसके चेक कर लें ज़रूर। और यहाँ से जो इंजन ऑयल होता है गाड़ी का तो वो यहाँ से फिल होता है येलो वाले कैप से। तो यहाँ पर दोस्तों मैं स्विफ्ट डिज़ायर की बात कर रहा हूँ, डीजल की। और इसके बाद टर्न आती है जो गाड़ी का ब्रेक और फ्लूइड होता है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसका जो लेवल मेंटेन रखना। तो इसकी जो इसका रिजर्वायर होता है तो उसके ऊपर मार्किंग दी गई होती है, तो जैसे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम की मार्किंग है तो इसका लेवल वहाँ तक होना चाहिए। अगर इसका लेवल थोड़ा बहुत कम हो तो आप इसका जो कैप होता है तो वहाँ से इसको रीफिल कर सकते हैं। और आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि जो आप इसमें जो ब्रेक फ्लूइड डाल रहे हैं तो वो जो गाड़ी के जो इसके कैप के ऊपर दिया गया है जो इसकी स्पेसिफिकेशन होती है तो उसी के अकॉर्डिंग हो। जैसे इसमें .3 का है फ्लूइड है इसमें ब्रेक ऑयल का, तो आप जैसे .4 भी आता है तो आप जो रिकमेंडेड ब्रेक फ्लूइड होता है तो वही हमेशा अपनी गाड़ी में रीफिल करें। तो अब हम बात करेंगे इसके जो ट्रांसमिशन ऑयल या फिर जो गियर ऑयल होता है तो उसकी, तो इसका दोस्तों लेवल चेक करना और चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ये कहां से इसे हम ड्रेन करते हैं और कहां से ये चेंज होता है। तो ये जो आप इसका देख रहे हैं बोल्ट देख रहे हैं तो इसे ओपन कर कर जो सारा पुराना होता है ट्रांसमिशन ऑयल वो ड्रेन होता है, और इसे जब चेंज करना होता है तो उसका भी जो पॉइंट होता है तो वो नीचे की तरफ ही होता है, पर वहाँ पर एक पाइप डालकर तो इसको ऊपर से रिफिल करते हैं इसको। तो मैं आपको इसका पॉइंट दिखा देता हूँ, इसका रिफिल पॉइंट कहाँ पर होता है। तो ये जो आप पॉइंट देख सकते हैं ये वाला, तो यहाँ से इसका जो ट्रांसमिशन ऑयल होता है तो वो रिफिल होता है इसे ओपन कर कर। तो यहाँ से पाइप डालकर तो इसको ऊपर से फिर रिफिल करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके कूलेंट की। तो ये इसका कूलेंट रिजर्वायर होता है तो इसके ऊपर भी मार्किंग दी गई होती है, जैसे यहाँ पर फुल का मार्क है तो फुल तक हमने इसका जो कूलेंट का लेवल होता है तो वो रखना होता है। अगर आपका गाड़ी का लेवल कम हो तो आप इसका कैप ओपन कर तो नया कूलेंट आप डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपने कैप ओपन करना है इसका तो गाड़ी आपकी जो है वो इंजन हो तो वो ठंडा हो, तो गर्म में इसे कभी ओपन मत करें। और हमेशा इसमें कूलेंट के साथ जो डिस्टिल वाटर होता है तो वो मिक्स करें, कभी भी इसके साथ टैप वाटर मिक्स मत करें, क्योंकि अगर आप टैप वाटर यूज़ करेंगे तो उससे जो आपका जो कूलिंग सिस्टम होता है गाड़ी का तो उसमें रस्ट लगने का खतरा रहता है। तो इसलिए हमेशा डिस्टिल वाटर और जो कूलेंट होता है तो उसे यूज़ करें। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो इसकी जो वॉशर फ्लूड होता है इसका, वाइपर फ्लूड होता है तो वो यहाँ से रिफिल होता है। तो इसके साथ हमेशा दोस्तों जो इसका शैम्पू आता है एक तो वो इसमें मिक्स कर लें, क्योंकि इसके साथ जो वाइपर के जो ब्लेड होते हैं तो वो सॉफ्ट रहते हैं, वो हार्ड नहीं होते। और दोस्तों कई गाड़ियों में जो स्टेयरिंग होता है तो उसका फ्लूड का भी उसका रिजर्वायर आता है, तो वो आमतौर पर अब नई गाड़ियों में नहीं आता क्योंकि नई गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग होता है जो मोटर के साथ चलता है। तो अगर आपकी गाड़ी में यहाँ पर उसका पावर स्टीयरिंग का रिजर्वायर होगा फ्लूड का तो उसमें वो फ्लूड भी आप चेक करना मत भूलें। तो होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।